महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार का यह दूसरा बजट पेश किया गया है। यह बजट मध्यम वर्गीय को मोदी सरकार का रिटर्न गिफ्ट है। मध्यम वर्गियों को 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। 45 लाख तक के मकान खरीदने पर लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। जिनके पास पैन नहीं है वे भी अपना आयकर रिटर्न आधार के द्वारा भर सकते हैं। 2 करोड़ तक की आय पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है। मोदी सरकार ने अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की सालाना आय पर 3% तथा 5 करोड़ से अधिक की आय पर 7% टैक्स लगाया गया है। बैंकों से सालाना 2 करोड़ कैश निकालने पर 2% अतिरिक्त टैक्स TDS के रूप में देय होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर टैक्स छूट होने से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। बजट में महिला वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं को समाज में ऊंचा उठाने के लिए मुद्रा स्कीम के द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन फटाफट देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्वयं सहायता समूह पर ब्याज में छूट भी दी गई है। मुद्रा स्टैंड अप इंडिया तथा स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को सहायता दी गई है। महिलाओं को जनधन खाते से 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा मिलेगी, जिससे महिलाओं को सभी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी। पेट्रोल व डीजल 1% सेस व 1% एक्साइज ड्यूटी अतिरिक्त लगाई गई है, जिससे पेट्रोल और डीजल 2 रुपए महंगा हो गया है। उधर सोने पर 2.5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है, जिससे सोना भी अब महंगा हो गया है। व्यापारी भाइयों को अब 59 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन फटाफट उनके कारोबार करने के लिए आसानी से मिल जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर अब कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। इस प्रकार मोदी सरकार का ये नपातुला बजट देश को उन्नतियों पर ले जाने लायक दिया गया है। मोदी सरकार